हाय दोस्तों, थंबनेल देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो है विंडशील्ड के ऊपर। जब भी आप लॉन्ग शॉट राइड कर रहे होते हैं तो विंड ब्लास्ट सामने से बहुत आता है, एंड बुलेट के लिए विंडशील्ड के ऑप्शन जो हैं लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, मगर वो उतने ज़्यादा जो हैं वो मतलब अच्छे नहीं होते। कुछ दिनों बाद जो है येलो ही दिखने लग जाते हैं। तो आज जो है विंडशील्ड जो फिट करने वाले हैं वो है इनस्केप ड्रीम्स की विंडशील्ड। ये स्टैंडर्ड क्लासिक और इलेक्ट्रा हो सेम ही फिटिंग प्रोसेस है, सेम ही जो है प्रोडक्ट आप तीनों में फिट कर सकते हैं। एंड मेरे पास इंटरसेप्टर के लिए भी जो है मैंने मंगाया हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल दूंगा। तो चलिए पहले इसको फिट करते हैं एंड बहुत सारी बात जो है आगे करेंगे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों ये रहा विंडशील्ड। विंडशील्ड पे अभी एक प्रोटेक्शन लगा रखी है, अभी निकाला नहीं है, वैसे ट्रांसपेरेंट है। अगर बात करें इसके हाइट के बारे में तो 18.5 इंच का इसका हाइट रहेगा एंड 4 एमएम जो है इसका थिकनेस है। एंड ये जो मटेरियल है ये है पॉलीकार्बोनेट, जो कि हार्डेस्ट एंड फ्लेक्सीबल मटेरियल होता है फाइबर में। तो ये रहा उसका क्लैंप और ये रही उसकी फिटिंग। क्लैंप जो है कुछ इस तरह से फिट होगा, ये जो दो बोल्ट आपको दिखते हैं हैंडल के, यहाँ पर ऐसे फिट होगा। तो ये भी हैवी एक्चुअली मटेरियल लग रहा है। और ये रहा इंटरसेप्टर के लिए। इंटरसेप्टर के लिए ये रही सामने, इसे क्लैंप फिटिंग और विंडशील्ड भी आया हुआ है, बट अभी इसको फिट नहीं करने वाले हैं, इसको जो है बाद में फिट करूँगा। पहले मैं चर्च करने जाता हूँ बुलेट में। अगर बुलेट में कोई प्रोडक्ट काम कर जाता है ना दोस्तों, तो इंटरसेप्टर में तो आराम से कर लेगा, बाकी बाइक में कर लेगा। एंड अगेन बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर स्टैंडर्ड, किसी में फिट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में, बुलेट में, इलेक्ट्रा में, क्लासिक में आप जो है इसको ईजिली फिट करते हैं। तो चलिए इसको फिट करते हैं। दोस्तों क्लैंप फिट करने के लिए मुझे ये दो बोल्ट जो है ओपन करने पड़ेंगे, तो इसको 17 नंबर के ये बोल्ट हैं, तो इसको ओपन करते हैं। चलिए बोल्ट जो है निकाल दिए हैं, अब इस क्लैंप को जो है इस तरह से प्लेस करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो क्लैंप है वो इधर फिट होगा, तो चलिए इसको फिट करते हैं। एक चीज मैं स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि इसको ओवर टाइट मत करिए, ये जो बोल्ट है ना इसको ओवर टाइट मत करिए, बिकॉज ये कास्टेड वाला होता है, बोल्ट जो है वो टूट जाता है, ठीक है। तो इसको ओवर टाइट नहीं करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लैंप जो है फिट हो चुका है, एंड यहाँ पे अच्छा खासा गैप भी जो है इसके बीच में है, ये देखिए अच्छा खासा गैप जो है दिया हुआ है। एंड अब चलिए इस पर जो है विंडशील्ड फिट करते हैं। तो दोस्तों विंडशील्ड जो है वो फिट हो चुका है एंड लुक बहुत ही सही आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं अच्छा खासा कर्व्ड है, जिसे विंड ब्लास्ट जो है एरोडायनेमिकली जो है सही रहे, थोड़ा सा विंड कटर जैसा काम करे, जो ज़्यादा विंड के वजह से फिर ऐसा हो कि बाइक का पिकअप या फिर माइलेज वो इफेक्ट ना हो। एक स्लोप भी ऊपर की तरफ दे रखा है ताकि विंड ब्लास्ट यहाँ से कट के डायरेक्ट आपके फेस पे ना आए, तो ये भी है। और यहाँ पे एक आपको कट भी दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक लोगो आपको देखने को मिल रहा है एंड इट्स टू इजी टू फिट, बहुत ज़्यादा इजी है फिट करने का। यहाँ पे क्लैंप जो है वो डायरेक्टली इस तरह से दिया हुआ है कि आप जो है इजीली फिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है की लगेगा, मेरे जेब में की है, चलिए लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे की है, यहाँ मैंने की लगाई और यहीं से जो है ऑन ऑफ आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी पार्ट जो है आपका डिस्टर्ब नहीं होता है। तो आप इसकी टेस्टिंग करेंगे एंड टेस्टिंग के बाद करने के बाद अगर पास हुआ तो उसकी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मतलब ये टेस्टिंग में पास है, एंड फिर आपको फाइनल डिटेल में देता हूँ। अब दोस्तों टेस्टिंग की बारी आती है, ये इनके ड्रीम्स का जो विंडशील्ड है उसकी, एंड अभी तक तो बहुत सही वर्क कर रहा है, क्योंकि विंड ब्लास्ट हाई स्पीड में टेस्ट किया, विंड ब्लास्ट जो है पूरा ऊपर से जा रहा है। तो चलिए आपको भी वीडियो में दिखाता हूँ हाई स्पीड टेस्ट करके विंड ब्लास्ट कैसा, विंड ब्लास्ट कैसा आता है।
दोस्तों बुलेट में विंडशील्ड बहुत ही सही काम कर रही थी, ये एनस्केप ट्रिम ने क्लैम्प जो बनाया है ना वो बहुत ही सही बनाया हुआ है एंड इजी टू फिट भी है। आप विद इन 5 मिनट्स के आसपास में इसको जो है आराम से फिट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये 2 वोल्ट खोलने और फिट करना है एंड स्क्रू और बाकी सब चीज़ करना बहुत ही ईजी है। हल्का वाइब्रेशन स्टार्टिंग में आपको देखने मिलता है बट जब राइड कर रहे होते हो बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट आपके फेस पर नहीं आता है, सारा जो आपके हेलमेट के ऊपर जाता है। ये जो डिज़ाइन कर्व किया हुआ है ना वो बहुत सही है एंड साथ ही साथ इसका पीला होने के चांसेस नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम आप लोकल मार्केट से लेते हो ना उसका येलो होने का चांस है। ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है जो कि हार्ड भी होता है साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी होता है, तो ये मटेरियल बहुत ही सही यूज़ किया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं एंड साथ ही साथ वहाँ पर आपको प्राइसिंग मिल जाएगा। इंटरसेप्टर के लिए अवेलेबल है, मैंने अभी इंटरसेप्टर फिट नहीं किया, इंटरसेप्टर में इसको बाद में फिट करेंगे, पहले मैं चाहता था कि बुलेट में इसको मेनली टेस्ट करें एंड बहुत ही सही मुझे लगा। एंड कोई भी अगर आपको डाउट एंड क्वेरी अभी भी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, आप वहाँ करिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो दोबारा बनाया जाएगा अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो कंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।